करोड़ का आपने दोस्तों जो सपना बना रखा है आज उसे साकार करके रखना है दोस्तों। आज हम ज्योतिष गणित से दोस्तों एक एक खिलाड़ी की पोल पट्टी खोलने वाले हैं। तो आज आप लोग दोस्तों वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, एक एक खिलाड़ी की हम पोल पट्टी खोल देंगे दोस्तों। और दोस्तों टीम बनाने के बाद कप्तान और कप्तान बनाने की जो गणित है दोस्तों, हम एक एक खिलाड़ी की आज पोल पट्टी काशी के प्रत्याशी छह पंडित गणेश आपा जी का पंचांग लेकर खोलने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं आप लोग, आइएगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आजकल दोस्तों हमारे ही टीम के प्लेयर जो है कप्तान कप्तान बन रहे हैं और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है दोस्तों। ये हाथ है तो काशी के प्रसिद्ध श्री छह पंडित गणेश आपा जी पंचांग है दोस्तों। इसकी वजह से भगवान की कृपा से दोस्तों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कहा गया है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मना सजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है दोस्तों, तब तक भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार जरूर लेते हैं, क्योंकि मैच की इस हार ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैच की इस हार ने मेरा दिल तोड़ दिया है, इसलिए आज का खाना मैंने भी छोड़ दिया है दोस्तों। तो आज जब तक दोस्तों आपको 2 करोड़ रुपए जितवा कर नहीं दूंगा दोस्तों, खाना पीना सब कुछ बंद होगा, क्योंकि क्योंकि दोस्तों आज दोस्तों आपको वो लाश रिकवर कराने वाला हूं दोस्तों, जो आप बहुत दिनों से हार जाते हो, क्योंकि दोस्तों आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के मात्र 4 मुकाबले बाकी है। अब दोस्तों हर बच्चा स्कूल छोड़ने वाला है, क्योंकि ये दोस्त आईपीएल का जब छाता खुमार है, स्कूल जाने के नाम पर बच्चों को आ जाता बुखार है। तो दोस्तों अब तो जरूर आएगा, और छुट्टियां भी हो चुकी हैं दोस्तों, अब एक एक खिलाड़ी की हम पोल पट्टी खोलने वाले हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी को। तो आज दोस्तों ये पिच जो है बैलेंस पिच है, पहला प्ले ऑफ मैच है गुजरात वर्सेस चेन्नई का मैच है। और दोस्तों क्योंकि यहां पर बॉलर भी छक्के मार सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा हो सकता है, खराब मैच में भी बॉलर की बैट से भी छक्का हो सकता है दोस्तों। तो आज चलते हैं एक एक बैट्समैन की, एक एक खिलाड़ी की आज हम पोल पट्टी खोलने वाले हैं दोस्तों। आज ज्योतिष गणित से एक एक बॉलर का घर, राशि, नक्षत्र और उसकी राशि सब कुछ जाने का, उसका वैर क्या है, उसके किस चीज का छाया है और उसके तारे कैसे चमक रहे हैं, सब बातों की आज गणित पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दूंगा दोस्तों। आप लोग आइए, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, आज मजा आने वाला है। तो आज चलते हैं दोस्तों, और देखिएगा गुजरात का ये प्ले ऑफ चेन्नई का बहुत बड़ा महामुकाबला होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों आईपीएल के इतिहास में अब दोस्तों अब आने वाला है एक नया ट्विस्ट दोस्तों, क्योंकि क्योंकि अब जो है प्ले ऑफ में वही धांसू टीमें पहुंची हैं जिन्हें दोस्तों दरकार है फाइनल मैच जीतने की, और सभी धांसू टीमें हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आज, बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि जब रिप्लाई किस्तों में आने लगे, जब रिप्लाई किस्तों में आने लगे तो समझ लो बाबू आईपीएल देख रहा हूं दोस्तों, करोड़ों रुपए की सपना लेकर बैठा हूं। तो इसलिए मैं जरूर ये कहूंगा कि आप लोग आज एक बेस्ट टीम बनाइएगा, 49 रुपए लगाइए और दोस्तों करोड़ रुपए जीतिए, 49 रुपए बराबर करोड़ रुपए दोस्तों। आप सपने में सोचते होंगे, उसे हकीकत में बदलवाता है कौन, बदलवाता है ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट दोस्तों, ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट उसे हकीकत में बदलाता है दोस्तों। तो आओ हम तो चलते हैं दोस्तों एक एक खिलाड़ी की पोल पट्टी खोलने, आप लोग उसमें कितने भागीदार बनते हैं तो आपको बनना पड़ेगा दोस्तों। आज एक एक खिलाड़ी की वो बात बताने वाला हूं जो आपने अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी दोस्तों, आज वो बात आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, और एक एक जो है क्रिकेटर की, एक एक जो है खिलाड़ी की हम आज पोल पट्टी खोलने वाले हैं दोस्तों, एक एक क्रिकेटर की पोल पट्टी खेलने वाले हैं दोस्तों। तो आओ चलते हैं, ये देखिएगा दोस्तों हम दोस्तों आ गए हैं जो है ये पंचांग लेकर के दोस्तों, और चलते हैं किस प्रकार से हम पोल पट्टी खोलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम गुजरात की टीम पर चलते हैं, तो गुजरात की टीम पर सबसे पहले है सुमन गिल स्टार बल्लेबाज, गुजरात के चमकते हुए सितारे जिनकी राशि दोस्तों हम बहुत ही नजदीक से आज आपको दिखाने वाले हैं।
राशि देखिएगा सुमन गिल, शुभमन गिल दोस्तों, ये देखिएगा शुभमन गिल दोस्तों हैं, सुमन गिल कुंभ राशि है इनकी। और तो सतविका नक्षत्र है इनका, सतविका नक्षत्र। और चलते हैं इनकी राक्षस जो है गण है, शनि की छाया है दोस्तों, क्या है शनि की छाया है दोस्तों। तो आज सुमन गिल दोस्तों राक्षस जिसका गण होता है, शनि की छाया होती है, महिष जिसका वैर होता है दोस्तों, वहां पर इन अच्छा योग बनता है। सुमन गिल के तारे टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं दोस्तों। तो आइए सुमन गिल को अपनी टीम पर जरूर लेना दोस्तों, टीम पर जरूर लेना, आज बहुत मजा देने वाला है दोस्तों। दूसरा नंबर है विजय शंकर दोस्तों, दूसरा नंबर है विजय शंकर की तरफ आते हैं, जो आरसीबी के हराने में विजय शंकर का भी बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। तो हम चलते हैं विजय शंकर की तरफ से, ये देखिए विजय शंकर वृक राशि से संबंधित है, रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, और रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, और इतनी समय सूर्य भगवान भी रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, क्योंकि 25 मई से दोस्तों नौ तपा लग रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब जाते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, और जब सीधे पृथ्वी पर पड़ती है दोस्तों तो ज्यादा गर्मी होती है, और गर्मी में मैच खेला जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहां पर दोस्तों ये देखिए इनका मनुष्य जो है ग्रह है शुक्र की इनकी छाया है दोस्तों, तो बहुत ही मजा ज्यादा नहीं, एरथ परफॉर्मेंस रहने वाला, विजय शंकर पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें दोस्तों, योरेथ परफॉर्मेंस रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों डेविड मिलर, हम चलते हैं डेविड मिलर जो है कर्क राशि से संबंधित है, कर्क राशि से संबंधित है डेविड मिलर, इनका असली का नक्षत्र है दोस्तों राक्षस प्रवृत्ति है, चंद्र जो है इनकी छाया है, और चंद्र की छाया पर ही जो है मैच होने वाला है दोस्तों, चंद्र की छाया पर शाम 7:30 बजे जो है मैच होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही मजा, डेविड मिलर ट्रंप खिलाड़ी आपको साबित हो सकते हैं, ट्रंप खिलाड़ी आज साबित हो सकते हैं दोस्तों, डेविड मिलर को आप कप्तान और कप्तान भी बना सकते हैं, आज रिस्क ले सकते हैं दोस्तों जीवन में, और जीवन में रिस्क नहीं लिया दोस्तों तो आपका जीवन जो है अच्छा नहीं हो सकता। हार्दिक पांड्या दोस्तों, आप चलते हैं हार्दिक पांड्या की तरफ, हार्दिक पांड्या देखिए देगा पुनर्वस नक्षत्र है इनका, पुनर्वस नक्षत्र है, देव है इनका चंद्र पहले और बुध तीसरे पर है दोस्तों। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, हो सकता है आज टीम में खेले भी ना, ऐसा योग बन रहा है दोस्तों, हो सकता है आज टीम में हार्दिक पांड्या की एंट्री ना हो। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं, तो आप लोग ये देखिएगा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, फल डाउन आ रहे हैं, नहीं आ पा रहा है, 2-3-4 मैचों से इनका परसेंटेज भी डाउन हो गया, सिलेक्शन परसेंटेज भी डाउन हो गया, कैप्टन का परसेंटेज भी डाउन हो गया दोस्तों इनका, यही तारे के खिलाड़ी दोस्तों, क्योंकि हार्दिक पांड्या में वो क्षमता है दोस्तों जो है अपने चौके और छक्कों के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, और उधर विकेट चटकाने भी माहिर है, आप इन्हें भी ट्रंप प्लेयर के रूप में ले सकते हैं दोस्तों। हार्दिक पांड्या कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं होता दोस्तों, मैच को एक तरफा कर सकते हैं दोस्तों, अपने चौके छक्के की दम से मैच को एक तरफा कर सकते हैं। फिर आते हैं राशिद खान, राशिद खान का बल्ला आपने देखा ही होगा दोस्तों, मुंबई में जबरदस्त 4 विकेट झटकने के बाद 79 रन की वो जबरदस्त पारी खेली थी, जिसे लोग भुला नहीं पाएंगे, जिसमें 10 छक्के लगा दिए थे दोस्तों, तो बहुत ही मजा आने वाला है। राशिद खान देखिएगा, राशिद खान चित्रा नक्षत्र है दोस्तों, चित्रा नक्षत्र है इनका दोस्तों, चित्रा नक्षत्र है, राक्षस प्रवृत्ति, बुध और शुक्र दोनों दूसरे स्थान पर था, ये 2 विकेट लेने वाले हैं दोस्तों, राशिद खान 2 विकेट लेने वाले हैं, राशिद खान को आज 2 विकेट मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम गुजरात की जो है टीम के 5 टॉप बल्लेबाजों का, 5 खिलाड़ियों का हमने पोल पट्टी खेला। आज चलते हैं हम चेन्नई की तरफ से, चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ है, ऋतुराज गायकवाड़ देखते देखिएगा, ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ चलते हैं देखते, ये देखिए चित्रा नक्षत्र है ऋतुराज गायकवाड़ का, चित्रा नक्षत्र दोस्तों, चित्रा नक्षत्र यहाँ पर साक्षात इनका प्रवृत्ति है, और बुध शुक्र दूसरे स्थान पर इनका योरित परफॉर्मेंस रहने वाला है दोस्तों। ऋतुराज गायकवाड़ का टीम में है दोस्तों, परंतु कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में रिस्क हो सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ के आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है दोस्तों, तो आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में ऋतुराज गायकवाड़ को ध्यान दें दोस्तों। इसके बाद है डीवान कानवे, आप चलते हैं डीवान कानवे के पास, डीवान कानवे कर्क राशि से संबंधित है, कर्क राशि से संबंधित है डीवान कानवे, अश्लेखा नक्षत्र है इनका दोस्तों, अश्लेखा नक्षत्र आप लोगों को बारीकी से दिखा रहे हैं बहुत नजदीक से, और दोस्तों ये देखिए राक्षस प्रवृत्ति इनकी, राक्षस प्रवृत्ति है जो है, राक्षस प्रवृत्ति और चंद्र की छाया है दोस्तों। तो दोस्तों डीवान कानवे का एक बल्ला बोलने वाला है, आप लोग दोस्तों आप लोग आज दीवान कानवे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, दिल खोल कर बना सकते हैं, 500% गारंटी दीवान कानवे का बल्ला चलेगा दोस्तों, चंद्र की रोशनी पर मैच होने वाला है। इसके बाद है शिवम दुबे, शिवम दुबे चलते हैं दोस्तों, वहीं पर चलते हैं, कहां पर कुंभ राज पर, शिवम दुबे
शुभम दुबे, कुंभरा, सद्विका नक्षत्र, राक्षस प्रवृत्ति और सन की छाया है दोस्तों। तो शुभम दुबे का भी आज छक्के और चौके की बरसात देखने पड़ती है। आज ट्रंप खिलाड़ी के रूप में शुभम दुबे शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो शिवम दुबे को अपनी टीम पर लेना बिल्कुल न भूले, यार रिस्क लेना चाहते हो तो शिवम दुबे को कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का जो बल्ला इस समय बहुत ही खामोश है दोस्तों, मेघ राशि संबंधित है दोस्तों। अजिंक्य रहाणे देखिएगा, और कृतिका नक्षत्र है इनका, कृतिका नक्षत्र है दोस्तों, मेघ राशि संबंधित है, राक्षस प्रवृत्ति, भौम तीसरे शुक्र तीसरे नंबर पर है, भौम पहले नंबर पर है, इस तरह ये भी और परपान 20-30 ऋण बना सकते हैं और ज्यादा का इनका योग नहीं बन रहा है। इसके बाद दीपक चहर चलते हैं, दीपक चहर यहाँ पर आते हैं, दीपक चहर दोस्तों यहाँ पर आते हैं, दीपक चहर ये देखिएगा, दीपक चहर है यहाँ पर है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, मनुष्य है, शनि और गुरु, गुरु एक में और शनि तीसरे नंबर, गुरु शनि को दाप रहा था, दीपक चहर को भी एक दो विकेट झटक सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह से हम पांच खिलाड़ी, टॉप पांच खिलाड़ी जो है चेन्नई की तरफ से, पांच टॉप खिलाड़ी जो गुजरात की तरफ से लिए हैं दोस्तों। तो हम लोग आज बहुत ही अच्छी तरह से, अब इनका देखते हैं सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, इनका कैप्टन में सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, फिर इनका दोस्तों जो है वाइस कैप्टन में सिलेक्शन परसेंट क्या है, सब परसेंटेज देखने के बाद फिर हम जो है बनाते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो दोस्तों चलते हैं, देखिएगा गुजरात के पहले लेते हैं बल्लेबाज, गुजरात के खिलाड़ियों को लेते हैं। तो गुजरात के सबसे टॉप खिलाड़ियों में दोस्तों शुभमन गिल, शुभमन गिल जिनका सिलेक्शन परसेंट है 94.88 दोस्तों, 94.88 लगातार छक्के चौकों की बरसात और लगातार शतक बनाने की बौछार चल रही है। शुभमन गिल ने लगातार तीन मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों, तीन मैच में 104 रन, 101 रन, 94 रन दोस्तों। इस तरह का बल्लेबाज दोस्तों पूरे आईपीएल में धूम मचा दिया और ऑरेंज कप के दोस्तों असली हकदार बन रहे, क्योंकि दीवान कानवे का जो रन है उन्होंने 730 रन बनाए हैं और इनके 680 रन है, बल्कि दीवान कान वो सॉरी दोस्तों फाइव डुप्लेसिस है 730 रन बनाए हैं और दोस्तों इनके 680 रन है शुभमन गिल के। अब फाइव डुप्लेसिस प्लेयर से बाहर हो चुके हैं आरसीबी, इसलिए अब फाइव डुप्लेसिस को रन नहीं बनाना और शुभमन गिल अभी खेलेंगे, वो मात्र 50 रन पीछे है। तो शुभमन गिल दोस्तों बहुत हकदार बन रहा है दोस्तों। तो इस तरह से शुभमन गिल का दोस्तों जब चलता जो है बल्ला है ना, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का पसीना छूट जाता है दोस्तों, अच्छे अच्छे महान धुरंधर बल्लेबाज रोने लगते हैं। आप लोगों ने आरसीबी के खिलाफ देखा होगा 100 रन बनाने के बाद विराट कोहली का आप चिंता की लकीरें किस तरह से झलक रही थी जब दोस्तों शुभमन गिल का बल्ला 6 में 6 मारे जा रहा था दोस्तों, 6 में 6 मारे जा रहा था, तो साफ देखा जा रहा था विराट कोहली के जो है चिंता की लकीरें जो है मस्तक पर विराजमान थी और दोस्तों उनकी आत्मा रो रही थी, उनके जो प्रशंसक है उन सुमन गिल और दोस्तों विजय शंकर को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से हमारी आरसीबी हार चुकी है दोस्तों। परंतु दोस्तों कर्म जो करेगा वो इसको फल मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व चिराखा, जो जस करे तैस फल चाखा, तो इस संसार में जो कोई जैसा करेगा वैसा फल पाएगा दोस्तों, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सुमन गिल का सिलेक्शन परसेंट 94.88, कैप्टन में 33.67, वाइस कैप्टन में 22.45। वही चलते हैं विजय शंकर, विजय शंकर जिन्होंने आरसीबी की नैया डुबोई है दोस्तों, नैया डुबोई में एक तरफ ये भी थी, इनका जो सिलेक्शन परसेंट 35%, कैप्टन में दोस्तों 0.40%, वाइस कैप्टन 1.06। वही डेविड मिलर है, डेविड मिलर पर आप ट्रंप प्लेयर के रूप में ये भी आए थे दोस्तों, नैया डुबाने में इनका भी थोड़ा सा हाथ था, क्योंकि तो आकर के इन्होंने भी एक छक्के जड़ दिए थे दोस्तों। 35.14 है इनका सिलेक्शन परसेंट और इनका कैप्टन में 0.90 और वाइस कैप्टन में 1.170 है। हार्दिक पांड्या है 70.84 जिसका सिलेक्शन परसेंट है, कैप्टन में 2.64, वाइस कैप्टन में 3.87 है। राशिद खान है दोस्तों जिनका सिलेक्शन परसेंट 89.85 है, 89.85 है, कैप्टन में 5.34, वाइस कैप्टन में 8.35 है। इस प्रकार से सिलेक्शन परसेंट गुजरात के खिलाड़ियों का है। अब हम चलते हैं दोस्तों चेन्नई की तरफ से, तो चेन्नई की तरफ से दोस्तों महान ओपनर बल्लेबाज विजय ऋतुराज गायकवाड़ और दीवान कानवे है दोस्तों। चेन्नई को जो पाताल से शिखर तक ले जाने वाले खिलाड़ियों में इनका जो है नाम आता है और जो है रन बनाने के टॉप 5 बल्लेबाजों में इनका भी नाम है, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है ऋतुराज गायकवाड़ और दीवान कानवे ने। तो आज दोस्तों इनसे उम्मीद की जा सकती है,
क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंट भी दोनों का बहुत हाई है, 94-93 इनका सिलेक्शन परसेंटेज है दोस्तों। और ये कैप्टन में दोस्तों, कैप्टन में देखिएगा ऋतुराज गायकवाड कैप्टन 15.57%, वाइस कैप्टन 15.80%, दीवान कानवे का सिलेक्शन परसेंट 93.82 है, कैप्टन में दोस्तों 25%, वाइस कैप्टन में 21.96% है। वही शिवम दुबे का आते हैं, शिवम दुबे जिनका सिलेक्शन परसेंट 76.12 है और उनका कैप्टन में 2.37, वाइस कैप्टन में 4% है। वही आते हैं दोस्तों अजिंक्य रहाणे जो यूरिट कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 24.77, कैप्टन में 1.10, वाइस कैप्टन में 1.15। दीपक चहर जिनका जिन्होंने चेन्नई की तरह से बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से अपना गुरु जो है महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विकेट झटके हैं चेन्नई की तरफ से सबसे सुपर स्टार बॉलरों में गिनती दोस्तों दीपक चहर की होती है, जिनका सिलेक्शन परसेंट 64.01% और जिसका कैप्टन में 1.02, वाइस कैप्टन में 2.38। तो दोस्तों इस तरह से हमने गुजरात के टॉप 5 खिलाड़ियों को और चेन्नई के टॉप 5 खिलाड़ियों के विषय में बारीकी से चर्चा की, उनके घर देखे, उनकी राज देखी, उनकी नक्षत्र देखे और उनकी जो है राशि देखी, उनके राशि देखे, उनके वैर देखे। दोस्तों सब कुछ देखने के बाद आपको यह रिजल्ट में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आज आप कैप्टन उसका कप्तान चुनने में कहीं गलती मत करना, नहीं दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो कप्तान और कप्तान चुनने पर आज गलती ना करना, आपको 2 करोड़ जीतना है दोस्तों, आप जो अपने जीवन को सफल बनाना है दोस्तों, आज दोस्तों अपने जीवन को संवारना और सजाना है दोस्तों, तो आप लोग ये गलती ना करिएगा दोस्तों, आप उस भीड़ पर मत फंसिए जहां सभी लोग फंस रहे हैं दोस्तों। आज सबकी निगाहें मात्र 3 खिलाड़ियों पर होगी, उसमें सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और दीवान कानवे दोस्तों। सभी की निगाहें आज 99% लोगों की निगाहें यहीं पर होगी और दोस्तों जो सीखे होंगे समझे होंगे वही दोस्तों 1% में जाएंगे और 1% वो जीवन में रिस्क लेंगे और रिस्क लेने के बाद वही दोस्तों सफल होंगे, वही सफल होने वाले हैं, क्योंकि जीवन में यदि आपने रिस्क नहीं लिया दोस्तों तो आप सफल नहीं। रिस्क लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों एक गुड न्यूज है, हम आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से पहले गुड न्यूज बताना चाहेंगे। हमारा एक जो है ट्रिक एंड टिप्स का चैनल है, जहां पर जो है आईपीएल से, स्पोर्ट्स से, ड्रीम इलेवन से, फंटेसी क्रिकेट से संबंधित ट्रिक एंड टिप्स दी जाती है, कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाए सब कुछ सिखाया जाता है, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट लवर चैनल में, फैंटेसी क्रिकेट लवर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग सीखिएगा। क्योंकि दोस्तों आईपीएल कोई अंतिम मैच नहीं है, आईपीएल कोई अंतिम सीरीज नहीं है, अब आने में दोस्तों एशिया कप लगा है, उसके बाद वर्ल्ड कप लगा है, आपको 2 करोड़ जीतना है। आप सीधा सा पंडा रखिए, हमें 2 करोड़ जीतना है, सीखना है, समझना है, और सिखाएगा कौन? ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट आपको एक एक बिंदु पर चर्चा कराएगा, सालों आपको सिखाने का कोशिश करेगा, जो पूरे इतिहास में नहीं हुआ, यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुआ दोस्तों, वो करने को तैयार है। कौन करेगा? ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट करेगा। तो दोस्तों हम जो है आपको लिंक जो है दे देंगे, कहां जो है डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों मैच चालू होने के जो है 20 मिनट बाद अर्थात टॉस होने के 10 से 12 मिनट बाद दोस्तों हम आपको जो है टेलीग्राम में सेफ टीम, एक रिस्की टीम दे। जो लोग सेफ टीम पे जाना चाहते हैं दोस्तों, सेफ टीम का मतलब जो 49 रुपए जमा करके 49 रुपए कमाना चाहते हैं वो सेफ टीम के खिलाड़ी होंगे, और जो जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क लेंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा, बहुत ही मजा आने वाला है यार दोस्तों। क्योंकि दोस्तों रिस्क लेना एक व्यवहार में होना चाहिए, रिस्क लेना जो जीवन में होना चाहिए, अगर जीवन में दोस्तों आपने रिस्क नहीं लिया तो जीवन में आप सफल होने के भी असली हकदार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आज मजा आएगा, हम लोग बनाते हैं दोस्तों एक सुपरस्टार कप्तान और उप कप्तान, उसके बाद दोस्तों क्योंकि टीम बनाने में उतनी दिक्कत नहीं है जितना दोस्तों कप्तान उप कप्तान बनाने में। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, अगर आप 2 प्रकार से हम टीम चुनेंगे, एक होगी सेफ टीम हमारी दोस्तों, दूसरी होगी हमारी रिस्की टीम। सेफ टीम का कप्तान
हम सुमन गिल या दीवान कानवे को बनाते हैं सेफ टीम का कप्तान। सुमन गिल या दीवान कानवे हो गए, उप कप्तान हार्दिक पांड्या या दीपक चहर। वही दोस्तों रिस्की टीम पर चलते हैं। रिस्की टीम में कप्तान गायकवाड़ होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे या डेविड मिलर, और उप कप्तान दोस्तों हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे होंगे। दोस्तों इस तरह से हमने एक मस्त वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया है। आज दोस्तों 2 करोड़ जीतना ही जीतना है दोस्तों, आज 2 करोड़ जीतना ही जीतना है। आप कम से कम 4 से 5 टीम बनाइएगा और आप रिस्क में रिस्क लीजिएगा दोस्तों, आज आपको 2 करोड़ जीतना है, क्योंकि आप जैसे ही लोग तो जीत रहे हैं, क्या आपसे अलग है? कोई कोई कहता है दोस्तों ये भाग्य का खेल है, तो भाग्य को कहां से बदला जा सकता है दोस्तों? कर्म से बदला जाता है, क्योंकि भाग्य कर्म के पीछे चलता है दोस्तों। आप कर्म करेंगे भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा, जो जस करें तई सफल चाखा। कर्म प्रधान है, आप लोग कर्म करेंगे भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि कहा जाता है पीतल को सोना तो नहीं बनाया जा सकता, परंतु दोस्तों कर्म के माध्यम से रगड़ रगड़ कर दोस्तों सोने जैसी चमक जरूर उत्पन्न की जा सकती है। तो दोस्तों आप जीवन में असफलता का मुंह मत देखिएगा, सफल होने का प्रयास करिएगा, और असफल हो गए हो तो इसका मतलब है आपने कहीं पर कोई गलती जरूर किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।